क्या हुआ, आपको चिल्ला क्यों रही हो? जादू किया ना आपने हम सब पे। एक मिनट, तुम सब गलत समझ रही हो। मैं तो आपको लोरी सुनाई थी इसलिए आप सो गई थी। कोई जादू वादू नहीं किया मेरे आप पे। नहीं नहीं, जादू था, वरना मैं आपकी बाजू में कभी नहीं सोची। आप गंदों वाली आंटी हो। लोरी तो आपकी मम्मी भी आपको सुनाती होगी ना। पर आप मेरी मम्मी नहीं हो। आप ना अब सिर्फ हम लोग की बलि चढ़ाना चाहती हो। आपको ना कोई फिकर विकर नहीं है हम लोग की, जैसे हम लोग की असली मम्मी को नहीं थी। आप ना झूठी गाजर देकर ना हम लोग को बस फंसाना चाहती हो। पर मैं नहीं फंसेगी आपकी ये की चिपड़ी हुई बातों में। मैं नहीं आएगी। बेटा आप सब कुछ गलत कह रही हो, गलत समझ रही हो। मैं आपको बिल्कुल नहीं फंसा रही हूँ। मैं आप गद्दू गद्दू बात करो, आप बात करो, आप बात करो। चीकू लेती हो। नहीं, मैं आपकी पकड़ में नहीं आएगी, मैं आपकी पकड़ में नहीं आएगी। चीकू, पता नहीं ये बच्ची भी ना क्या क्या सोचती रहती है। मुझे नींद कब लगी पता ही नहीं चला, इतनी लेट हो गई हूँ। मिलिन बहुत गुस्सा करने वाला है आज। मैं सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, आज के बाद दोबारा नहीं करूंगी। मैं घर ही नहीं आया आज का। आई एम सॉरी फॉर दैट। थकती नहीं हूं सॉरी बोल बोल के, क्योंकि मेरे कान पक गए तुम्हारी सॉरी सुन के। हाथ छोड़ता हूं तुम्हारे। सॉरी के अलावा कुछ भी बोलो, बस सॉरी मत बोलो। जिस दिन फील नहीं करूंगी उस दिन नहीं बोलूंगी मिलिंद, पर आज सच में मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। आई एम सॉरी मिलिंद। अनाथालय में सो गई थी मैं, बच्चों को सुलाते सुलाते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। नुपुर, तुझे तो पता ही नहीं लगा कि कब तेरी आंख लग गई, क्योंकि तू सो गई थी। पर मेरा बेटे को रात के हर पहर हर पल का पता था, क्योंकि तेरी वजह से वो सो ही नहीं पाया। तू चाहती क्या है नुपुर, घर बार छोड़कर उनके साथ पूरा दिन बिताने का? आखिर क्या साबित करना चाहती है तू? आई मैं बताऊ नुपुर क्या साबित करना चाहती है? उसकी खुद की बच्ची तो रही नहीं ना, और उसके भीतर अभी भी बहुत ममता बाकी है, इसीलिए गैर अनाथ बच्चों के साथ वो मामा खेल रही है बेचारी। कामिनी आपको सुनाई भी दे रहा है? आप क्या बोल रही हैं? शब्दों का काम संवेदनाओं को अर्थ देना है, उसे ठेस पहुंचाना नहीं। मामा का खेल खेल रही हूँ बोलकर आप मेरी ममता को ठेस पहुंचा रही है। नुपुर, कामिनी मेरी बीवी है और इस घर की बड़ी बहू। सड़क छाप लोगों के साथ रह रहे के शायद तुम तमीज भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ। इस घर के बड़े लोगों से बात करने की जोशी परिवार की ये तमीज नहीं है। हो सकता है भाई साहब की मैं तमीज में बात नहीं कर रही हूँ, पर तमीज से भी एक बड़ी चीज होती है, वो होती है इंसानियत, जो शायद कामिनी भूल गई है। आप ये बात इन्हें क्यों नहीं समझाते हैं? बस और बदतमीजी से बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। कामिनी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। इतनी मतलबी तू कैसे हो सकती है नुपुर? अपनी जिद के आगे इस घर की सुख शांति को तो भंग करने पर तुली हुई है। कल रात मेरा बेटा मेरी गोद में सर रखकर रोया तेरी वजह से नुपुर। क्यों बोल रही हैं आप इसको? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोऊं, मैं हंसूं, मैं जीऊं, मैं मरूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मिलिंद, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? तेरी करने और कहने में बहुत फर्क है नुपुर, ये मैं पहले ही भाप गई। मेरे मिलिंद के लिए तू कभी मेरी पसंद नहीं थी बेटा। मैंने तुझे अपना लिया क्योंकि तेरे साथ से मेरा मिलिंद खुश रहता था, पर ना अब तू मेरे बेटे के साथ है ना मेरा बेटा खुश है। वो कहते हैं ना, जो इंसान आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है ना, वही आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। तू भी मेरे मिलिंद के साथ वही कर रही है। मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी मिलिंद। मेरा भगवान जानता है मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मिलिंद। कमाल की बात है ना नुपुर, तुम्हारा इरादा नहीं था फिर भी मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारा इरादा होता तो पता नहीं क्या कर बैठते तुम।
इरादे पे अगर सवाल उठ जाए तो रिश्ते के मायने खत्म हो जाते हैं मिलिंद। क्या सच में तुम्हें इंसान पता है? मेरे इरादे पे शक है तुम्हें सच में? हाँ, शक है। कोई एक वजह बता दो तुम्हारे इरादों पर यकीन करने की है? कोई एक वजह बताओ ना, चुप क्यों हो? कोई एक वजह है? वजह ये है कि तुम मेरे पति हो, वजह है कि पूरी जिंदगी हमने साथ में गुजारी है, वजह है कि तुमसे बेहतर मुझे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं समझता है। मैं कोई माँ माँ का खेल नहीं खेल रही हूँ, सच में माँ हूँ मैं। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि अगर मैं अनाथालय पे बच्चों की मदद करूंगी तो कहीं ना कहीं कोई हमारे पायल की मदद करेगा। एनजीओ की मदद से पायल की खोज खबर मुझ तक पहुँच सकती है ना मिलिंद। क्या साबित करना चाहती हो इस बात को बार बार दोहरा के? क्या साबित करना चाहते हो कि दर्द सिर्फ तुम्हें होता है, दुख सिर्फ तुम्हें होता है, हमें कुछ नहीं होता? मैं भी तो उसका पिता हूं, मुझे भी तो दर्द होता है। इस परिवार के हर सदस्य को कुछ ना कुछ दर्द है यार। क्या हम पायल से प्यार नहीं करते? देख नहीं रही अपने सामने? क्या उन्होंने सिर्फ अपनी पोती को खोया, अपना सब कुछ खो दिया? इनकी हालत तो देखो, आई का दर्द नहीं दिखता। ये उम्र है इनकी पोते पोतियों को खिलाने की, रिटायर्ड होकर यहाँ पे बैठने की, लेकिन ये बिजनेस संभाल रही है। क्यों संभाल रही है? क्योंकि क्योंकि दर्द इनको भी है। तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखता, मेरी आंखों में दर्द नहीं दिखता तुम्हें? मैंने अपनी बच्ची को खोया यार, मैंने अपनी अपनी पत्नी को भी खो दिया है। वो दर्द तुम्हें क्यों नजर नहीं आता? ऐसा कैसे हो सकता है? दर्द दिखाई देता है मिलिंद, दिखाई देता है, दिखाई भी महसूस भी होता है हर दिन, हर पल, हर रोज मैं देख सकती हूँ। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मिलिंद? इस घर के, इस परिवार के दुश्मन नहीं हूँ मैं। हम सब लोग एक घर, एक परिवार की तरह हंसे खेले। मेरी पायल बस लौट के आ जाइए, मैं भी चाहती हूँ ना। और पायल सिर्फ मुझे मम्मी कह के थोड़ी ना बुलाएगी, वो तुम्हें भी पापा कहकर बुलाएगी, आई को दादी कहकर बुलाएगी, पापा जी को दादू, भाई साहब और कामिनी को बड़े पापा, बड़े मम्मी। ये तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मिलिंद? ठीक है नूपुर, तुम यही चाहती हो ना हमारे परिवार की खुशियां वापस लौट आए। तुम चाहती हो कि हम दोनों फिर से माँ बाप की तरह फील करना शुरू कर दें। एक तरीका है मेरे पास, हम दोनों फिर से बच्चा पैदा कर लेते हैं और माँ बाप बन जाते हैं और फिर वैसे ही माँ बाप की तरह फील करते हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं इस परिवार की खुशियों के लिए। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? ये बहुत ही शुभ बात करी है मिलिंद तुमने। पायल के जाने के बाद हमारे सबके जीवन में जो एक सोनापन छा गया था, तुम दोनों के बच्चे से फिर से पूरे घर में उसकी किलकारियों से खुशी भर जाएगी। और यही एक तरीका है तुम दोनों के टूटते हुए रिश्तों को बचाने का। बात को मान लो नूपुर। बोलो ना नूपुर, चुप क्यों? मैं तैयार हूँ हमारे बच्चे की माँ बनने के लिए दोबारा। नहीं मिले, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है क्या नूपुर? हमारी मर्जी के विरुद्ध जाकर तो एनजीओ के बच्चों पर अपना प्यार बरसा सकती है, पर हमारी मर्जी से तू तो खुद के बच्चे की माँ नहीं बन सकती। भाई आप तो एक माँ है ना, आप तो समझिए ना इस बात को। फिर से माँ कैसे बन सकती हूँ मैं? क्यों नहीं बन सकती तुम? क्यों नहीं बन सकते तुम माँ? जवाब दो मिलिंद। पायल को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना ही मुझसे नहीं होगा। मैं धोखा नहीं दे सकती अपने पायल को। सही है, तुम पायल को धोखा नहीं दे सकती। यू नो व्हाट नूपुर, सारी गलती मेरी है। भाई, भाभी, आई सब सही कह रहे थे, तुम बहुत मतलबी हो, बहुत मतलब। सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपनी इज्जत के बारे में सोचती हो, तुम्हें इस परिवार की, इस परिवार की खुशियों की कोई परवाह ही नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें परवाह होती ना तो जो पिता का सुख और खुशी तुम मुझे दे सकती हो ना, उसके लिए तुम ऐसे मना नहीं करती मुझे। मेरी पायल कोई खिलौना नहीं है मिलिंद। कि आज गुम हो जाए तो
कल दूसरा खिलौना लाकर मन बहला लो। मैं फिर से मां नहीं बनूंगी मिलिंद। पायल हमारी बच्ची है और मैं उसे ढूंढ कर इस घर में हमारी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगी। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे रिश्ते को, हमारी शादी को, हमारे परिवार की खुशियों को साइड में रख के अपनी इज्जत को चुन रही हो। नहीं मिलिंद, मैं बस एक माँ की ममता, उसका भरोसा, उसके विश्वास को चुन रही हूँ। आज हो सकता है आप सब मेरी बात ना समझे, पर जिस दिन मैं पायल को यहाँ पर आप सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी ना, उस दिन मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब समझ जाओगे। और तब तक मेरे इरादे को मेरे भगवान जानता है। आप सब लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है, जो मानना है, जो समझना है समझ लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुमने सुना है चिकू, नूपुर आंटी की मस्त लोरी गाती है ना? और इतना अच्छा लोरी वही गा सकता है जिसका दिल अच्छा हो। हम लोग को सुलाने के चक्कर में वो खुद भी दरिद सो गई। चिकू, मैं तेरी साइड है, पर नूपुर आंटी सच में गंदी नहीं है। तुम सब ना भी शांत बैठो। अगर अभी इधर मम्मी होती ना, वो तुम लोग को इधर ये सब बातें करते हुए सुनती और ऐसे देखती ना, पक्का बहुत सैड होता उसको। जादूगरनी आंटी का जादू तो मैं खलास नहीं कर सकती, पर देखना, पर डांस कंपटीशन में उसका अंडा पाव पिचका हो तो मैं जरूर करेगी। अब देखना, डांस कंपटीशन में उसको हरा कर, उसका मुंह चिढ़ा कर ना, मैं तुम लोग को यहाँ से लेकर जाएगी वापस मम्मी के पास। हम लोग इधर ही रहना चाहते हैं चीकू, इसलिए तो मैं बोलेगी कि तू ये डांस कंपटीशन हार जा। पनौती दादा, म्यूजिक का एको ऑफ किया, दिख नहीं रहा है क्या? प्रैक्टिस चालू है ना मेरा? तेरे को समझ नहीं रहा क्या? मैं यहाँ पे तेरे को प्रैक्टिस नहीं करने देगा। उनको काहे को घूर रही है? तू उनकी लीडर होगी, मेरी नहीं है, समझी ना? मैं तो समझ गई, पर अभी ना तू समझ ले पनौती दादा, तू मेरे को म्यूजिक नहीं देगा ना, मत दे। मैं बिना म्यूजिक के डांस प्रैक्टिस करेगी। एक दो तीन, एक अभी क्या खुजली मची है तेरे को? ये कमरा तेरे अकेले का नहीं है, हम सबका भी है, और हमें यहाँ पे बैठने का है। ठीक है, तुम सब ना इधर ही बीच में बैठ के ना मक्खी उड़ाओ, मैं यहीं का कोने में जगह बना के डांस प्रैक्टिस करेगी। पर मैं डांस प्रैक्टिस जरूर करेगी। चिकू, डांस वांस भूल जा, चल हम लोग साथ में मस्ती करते। डांस भी भूल जाओ, मम्मी को भी भूल जाओ, तुम लोग तो वैसे भी भूल ही गए हो, पर मैं नहीं भूलेगी। ओए, सुनो, जो भी चाहता है ये चीकू हार जाए, आके बैठ जाओ। चीकू, जाने दो। ए टंकी, मैंने से बात करने बोला, आके बैठ जा, बैठ। तुम लोग साथ नहीं दोगे ना? नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं, मैं अकेले कर लेगी। अरे बैठ इधर। चीकू रहने देना। चीकू मान जाना। काय को जीत कर रही है चीकू? तू नहीं जीत पाएगी चीकू। जिस राह पे मैं चल पड़ी हूँ, उस राह पे जलते अंगारे होने वाले, मुझे जल के राख मत होने देना बप्पा।
राह लंबी है और मैं अकेली। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने की शक्ति देना पापा। कितने खुश लग रहे हो आज आप, फेस पे देखो कैसा स्माइल लेके बैठे हो। जितना खुश होना हो जाओ, आपका काम तो हो गया ना। पापा जी, मम्मी बोलती है अगर कोई सच्चे मन से आपको प्यार करे ना तो आप उसकी हेल्प ना किच करते हो। मैं तो आपको कितने सालों से प्यार कर रही है ना, फिर आप मेरे को इधर काहे को लाए? काहे को मेरे सारे दोस्त लोग को मेरे से कुटिल कट्टी करा दिया? मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी पापा? मैं मानती है कि वो मेरे बच्चे नहीं है, मैं उनकी सगी माँ नहीं है। मैं उनको चुरा कर लेकर आई, उन बच्चों से मेरा घर चलता था पापा, आपने वो भी छीन लिया। मगर आज एक भक्त भगवान को उसकी गलती की सजा देगी। मैं आज इसी वक्त से आपकी भक्ति छोड़ती है पापा। मम्मी बोलती आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? अभी आप ही मेरे को कोई रास्ता दो, आप ही मेरे को कोई पतली गली दिखाओ जिधर से मैं यहाँ से निकल जाऊँ, अपने दोस्तों को लेकर अपनी मम्मी के पास वापस चली जाऊँ। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, सब गलत। पर रंगोली है रंगोली। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना, उसको झेलने के बाद मैं आपका हार मान ली होती, मगर मैं हार नहीं मानेगी। मैं जमीन आसमान नहीं करेगी, मगर अपने बच्चों को सांप औरत के पास नहीं छोड़ेगी। मैं अपने पास लेकर आएगी और उसके लिए मेरे को साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े मैं करेगी। और उसके लिए ना मेरे को आपकी जरूरत नहीं है। आप जो करेगी ना, ये रंगोली करेगी, ये जंग रंगोली जीतेगी, वो भी आपके बिना। मैं कसम खाती है, मेरे रास्ते में जो कोई भी आया ना, मैं उसे जला के राख कर देगी। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।